movie is nice. Yeah, movie. Fantastic movie. Acha movie. Three. I'll give you the 3 rating. बहुत अच्छी है. It's a good movie. And you know, कुछ ऐसा बताया कि which हम लोग ने अभी तक कभी नहीं देखा. तो something like वो अलग side जो है, जो वो लोग struggle करते हैं, वो इसमें display किया गया. So it's a good movie. Very nice. काफी अच्छी लगी. काफी अच्छा लगा. मतलब I give the highest rating to this movie. मतलब काफी अच्छी तरीके से 3 घंटे, 2.5 घंटे engaged रखा है movie. अगर songs की बात करूँ, songs की भी पसंद आया आपको? Songs तो काफी मैंने सुने नहीं है इसमें. मतलब काफी popular. हाँ, वो तो पहले भी है. लेकिन वो एक छोड़ के बाकी कोई songs इतने popular नहीं है. तो I think songs का, लेकिन the movie itself उसका जो substance है वो काफी जोरदार है. मतलब काफी अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया. हाँ, आई गिव द हाईएस्ट रेटिंग, आई टोल्ड यू अर्लियर. तो ये अच्छी लगी. जॉन अब्राहम की एक्टिंग जो है अच्छी लगी, और बाकी सब जो एक्टिंग किए उनके साइड में जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी अच्छा एक्टिंग किए, और सभी का हीरोइन भी, उनका जो वाइफ बनी है वो भी एक्टिंग अच्छी की है. वो न्यूज़ रिपोर्टर है इसमें, वो अच्छी है. और जो जॉन अब्राहम एक्टिंग किए हैं वो स्पेशल एजेंट में है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर में है. मगर फिल्म थोड़ा स्लो है, मगर अच्छा लगेगा. फर्स्ट हाफ आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि वो एनकाउंटर में प्रॉब्लम होता है, इसलिए बोरिंग लगेगा. नेक्स्ट हाफ में अच्छा लगेगा क्योंकि नेक्स्ट हाफ में कोर्ट आता है. कोर्ट में कैसे वो डिफेंड करते हैं और सब लास्ट में वो सब बारी होते हैं, मीन्स बारी नहीं होते हैं, कोर्ट में उनको सजा देता है. वही स्टोरी है इसका. फिल्म डायरेक्शन थोड़ा कम है, मगर एक ही एरिया में वो हुआ है शूटिंग. हाँ, दो तीन एरिया में, दिल्ली में ही शूटिंग, और कहाँ पर भी नहीं दिखाया. सॉन्ग तो नहीं है कुछ भी इसमें, एक ही है. हाँ, एक ही है. वो तो सुपर हिट है. वो निजामपुर में गए हैं उधर, वो गाना हुआ है. मगर सब एक्टिंग सब अच्छा है. आउट ऑफ 5, 4. थैंक यू सर. आपको मूवी कैसी लगी? मूवी मुझे बहुत सही लगी. इसका सेकेंड हाफ मुझे बेटर लगा. स्टोरी पसंद आई? स्टोरी बहुत सही. अगर डायरेक्शन वाइज बात की जाए तो वो कितनी पसंद? डायरेक्शन वाइज अच्छा डायरेक्शन किया है, एंड एक्टिंग तो बेहतरीन है. क्योंकि जो इस सेकंड हाफ हमारे मन में रहता है अब क्या होगा, अब क्या बोलने वाला है, अब क्या, तो ये फील बना हुआ था. तो इसलिए मूवी मैसेज देती है. सो इस मूवी से क्या मैसेज मिल रहा है लोगों को? इस मूवी में ये मैसेज है कि यार, अपनी जो पुलिस है वो सही दिल से काम करती है. ऐसा कि नहीं है कि लोगों की परसेप्शन क्या है कि पुलिस वाले हमारे लिए काम नहीं करते, वो अपने TRP के लिए, मेडल्स के लिए काम करते हैं बेसिकली. ऐसा नहीं है, वो पुलिस अपनी दिलो जान से काम करते हैं. आज 15 अगस्त है और शहीद हमारे लिए, इतने शहीद पुलवामा अटैक में शहीद हुए हैं. लोग ऑब्वियसली काम करते हैं, पुलिस ऐसी नहीं है. ओके, और सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉन्ग एक है साकी साकी, एंड वो अच्छा सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा लगा. ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4, एटलीस्ट 4-5. थैंक यू. सर, आपको मूवी कैसी लगी? बाटला बहुत अच्छी लगी मैम. स्टोरी कितनी पसंद आई आपको? स्टोरी दिल्ली के ऊपर है, बाटला हाउस के ऊपर, तो स्टोरी जितना मैं सोच के आया था उतनी, और जितना मैंने स्टडी भी किया उतना खास नहीं लगा. लेकिन इन्होंने सॉन्ग एंटरटेनमेंट था, मूवी एंटरटेनमेंट. सबकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, वो कितना पसंद आया जॉन की? जॉन अब्राहम तो एक्शन में ही माहिर हैं, तो एक्शन के चक्कर में पब्लिक आती है. अदरवाइज हर किसी को पता है, एक्टिंग का उतना तजुर्बा नहीं है उन्हें. बट एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे. फ़ोन का तोड़ना, अपन ये जैसे दरवाजे को आना और मारना, तो पूरा दरवाजा गिर जाना, अच्छा था. और इस फिल्म का डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन जो मैंने सोचा था वैसा नहीं था, बस चल गया, चल पड़ा काम. चल पड़ा. आउट ऑफ 5 कितने स्टार? आउट ऑफ 5 3. थैंक यू सो मच. सर, आपको मूवी कैसी लगी? मूवी एक बार देखने लायक है. मैं चूंकि दिल्ली से हूँ तो ये वहीं एग्जीक्यूट हुआ था बाटला हाउस का, तो रियलिस्टिक थोड़े फैक्ट दबा दिए हैं फिल्म में. बाकी तो आइटम सॉन्ग जो अच्छा लगा मुझे, साकी साकी रे, और जॉन अब्राहम का एक्शन भी अच्छा है. स्क्रीन प्ले ओके, डायरेक्शन इज गुड, एक टाइम देखने लायक है. परफॉर्मेंस अच्छा किया है. जॉन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया अपना, और एडवोकेट राजेश शर्मा है जो सर, वो भी अच्छा था. एक्ट्रेस भी अच्छी थी. मतलब कुल मिला के फिल्म ठीक है. पैट्रियोटिक तो नहीं कह सकते, इसमें पैट्रियोटिक जैसा कुछ दिखाया ही नहीं गया. वो फैक्ट ही दबा दिए गए, उनको मासूम बता रहे हैं टेररिस्टों को, वो भी एक
दिखाया है इसमें, इसमें फिल्म में कुछ क्लियर नहीं बताया कि वो एनकाउंटर फर्जी था कि नहीं था, बैलेंस करने की ट्राई की। नूरा फतेह जी मूवी वॉज वंडरफुल, एवरीबडी शुड गो एंड वॉच दिस मूवी। आई वुड रेट 5 out of 5 एंड इंडिपेंडेंस डे के लिए तो स्पेशली ये मूवी है। वी फील प्राउड टू बी इंडियन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, वी आर एंड वी स्टिल फील प्राउड। एक्टिंग एक्शन जॉन अब्राहम वॉज सुपर्ब। अच्छा था साकी साकी वॉज गुड, नाइस सॉन्ग। 5 out of 5 स्क्रीन पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, एवरीबडी शुड गो एंड वॉच ऑन द स्क्रीन। और स्टोरी जो ऑथेंटिक लगी क्या, कुछ ऐसा लगा? नहीं नहीं, अच्छी लगी, ऑथेंटिक ही थी। स्पेशली द लास्ट पोर्शन वॉज वेरी नाइस, जो वो प्रूव करता है कोर्ट में जॉन, बहुत अच्छा था। फिल्म में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? द लास्ट वन। 5 out of 5 सो बाबू आपको मूवी कैसी लगी बाटला? अच्छी मूवी थी, बहुत ही मतलब वो बाटला हाउस में उन्होंने एनकाउंटर किया कैसे किया था वो सब कुछ दिखाया गया था इस मूवी में। और आप भी जाके देख सकते हैं, उन्होंने क्या बहुत इंटरेस्टिंग था ब्रेक के बाद तो स्पेशली। जॉन पसंद आया? जॉन की परफॉर्मेंस कैसे लगी? हाँ, उनका परफॉर्मेंस तो हमेशा अच्छा ही रहता है, फिर भी इस मूवी में तो बहुत मज़ा आया मुझे। और सॉन्ग्स की बात करें, सॉन्ग्स पसंद आए आपको? हाँ, साकी साकी बहुत ही अच्छा सॉन्ग था वो, उसका डांस भी बहुत अच्छा। आप करके एक बार दिखा सकते हो थोड़ा सा? वो डांस थोड़ा याद नहीं है मुझे अभी। ओके, और डायरेक्शन पसंद आया? सब कुछ पसंद आया आपको? और टफाइव कितने स्टार्स हो गया आपको? मैं 4.5 स्टार्स दूँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस मैम। मूवी कैसी लगी बाटला हाउस? मूवी मतलब एकदम एनर्जेटिक नहीं है, ठीक है बोल सकते। स्टोरी की बात करूँ, स्टोरी कितनी पसंद आई आपको? स्टोरी अच्छी थी लेकिन स्टार्ट में एकदम बोर लगने लगा था, इंटरव्यू के बाद थोड़ा अच्छा लगा। डायरेक्शन आपको पसंद आया? हाँ। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? हाँ मैम, आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 स्टार। सर आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, एकदम एंजॉय किया। लेवल पे लेके आपका ठीक चल रहा है। ओके, स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया आपको? स्टोरी के बाद स्टोरी कितनी पसंद आई? बिल्कुल एकदम बढ़िया, मजा एंजॉय किया है ना उनकी। जॉन की मेरे को सारी मूवीज़ पसंद आती है, इससे पहले भी जो भी देखी है परमाणु वगैरह, उनकी जो नेशनलिज्म वाली स्टोरीज है ना मुझे बहुत पसंद आती है ना। दिस वाज आल्सो वेरी नाइस मूवी। हर इंडिपेंडेंस डे पे उनकी मूवी आती है और हिट होती है, सो आपको क्या लगता है इस इंडिपेंडेंस डे पे उनकी मूवी आई है बाटला हाउस, तो वो हिट होगी? बिल्कुल होगी, और उनको पता है कि देश को क्या पसंद है, पब्लिक को क्या पसंद है, एंड ही इज मेकिंग सच मूवीज है ना, वो बिल्कुल हिट होने वाली है। ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? फुल 5। थैंक यू, थैंक यू। हार्दिक शुभकामनाएं जी। और रक्षाबंधन जी, हैप्पी रक्षाबंधन। सो आपको मूवी कैसी लगी बाटला? मूवी मुझे मीठी लगी, मीठी बोले तो अच्छी। स्टोरी अच्छी है, एक रियल बेस्ड स्टोरी है और पब्लिक को ग्रिप करके चली है, ये नहीं कि कहीं बोर कर रही है, अच्छा लगा। और एंड तक अच्छा वो दिखाया, इन्वेस्टिंग जो सारा चीज़ था बेस्ट था। डायरेक्शन अच्छा, जब स्क्रिप्ट अच्छी आए तभी डायरेक्शन अच्छा लगता है, मतलब फिल्म अच्छी लगी, ये नहीं कि कहीं पे बोर कर रही है। और जॉन ने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जिया है ये। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा था सभी का, बहुत अच्छा काम किया है जॉन ने, लड़के मृणाल उसने अच्छा काम किया है। काफ़ी टाइम पहले जब मृणाल को देखा था तो कुमकुम में काम करती थी, हाँ, लेकिन उसके बाद सुपर 30 भी की, उसके बाद एड में भी, तो मतलब धीरे धीरे उसमें काफ़ी निखार आ रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि सीरियल से और पिक्चर में इस तरह की अच्छी पिक्चरों में काम करना बहुत टफ है, लेकिन जो स्ट्रगल करके और जो यहाँ तक अच्छा वर्क किया उसने। सॉन्ग दो ही हैं, आई थिंक दो ही सॉन्ग है उसमें, रुला दिया और साकी साकी, सॉन्ग अच्छे हैं, सुन सकते हैं, अच्छे हैं। 4।